हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज की हमारी रेसिपी है साउथ इंडियन स्टाइल तमिल की फेमस टोमेटो राइस की और इसे बनाना बहुत ही आसान है झटपट से बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है बिगनर्स बैचलर कोई भी इस वन पॉट मिल को आसानी से बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोमैटो तो राइस बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो कप बासमती चावल आप यहाँ पर कोई भी चावल का यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट ग्रेन या लॉन्ग ग्रेन जो आपके घर पर अवेलेबल हो तो सबसे पहले चावल को अच्छे से दो से तीन बार पानी से धो लेना है उसके बाद इसे भिगा के रखना है कम से कम आधे घंटे के लिए तो ये देखिए मैंने यहाँ पर चावल को अच्छे से दो से तीन बार धो लिया है और इसमें फिर से पानी डालकर इसे भिगा के रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए इसे भिगाना बहुत जरूरी है तभी हमारे चावल अच्छे और लॉन्ग रेन बनते हैं तो जब तक हमारे चावल आधे घंटे रेस्ट करेंगे हम बाकी की तैयारी कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर को गैस पे रख लिया है इसमें हम डालेंगे दो बड़े चम्मच तेल और तेल के साथ ही डालेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी जब घी और तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच राई एक छोटा चम्मच जीरा और एक छोटा चम्मच डालेंगे उड़द का दाल एक छोटा चम्मच चने का दाल दस से बारह कड़ी पत्ते और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से गर्म मसाले तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दो तेज पत्ता एक से डेढ़ इंच दालचीनी चार से पाँच लौंग दो से तीन छोटी हरी इलायची आठ से नौ दाने काली मिर्च के और दो सूखी लाल मिर्च और इन मसालों को 30 से 40 सेकंड के लिए हल्का सा पका लेंगे वैसे तो टोमेटो राइस में बहुत ही सिंपल मसाले पड़ते हैं पर मैंने यहाँ पर थोड़े गरम मसालों का यूज किया है इससे हमारे टोमेटो राइस का फ्लेवर थोड़ा इनहेंस हो जाएगा और एकदम बिरयानी जैसा बनेगा तो मैंने यहाँ पर इसमें डाला आठ से दस काजू काजू को भी हम दस से पंद्रह सेकेंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे दो प्याज इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में कटे हुए अब इन प्याज को फ्राई करना है यानी कि पकाना है मीडियम हाई फ्लेम पे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तो ये देखिए यहाँ पर तीन से चार मिनट में हमारे प्याज एकदम बढ़िया हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे चार से पाँच टमाटर तो मैंने यहाँ पर चार से पाँच टमाटर को एकदम बढ़िया बारीक कट किया है अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अब हम इसे अच्छे से मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि टमाटर एकदम बढ़िया से गल ना जाए अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तो ये देखिए हमारे टमाटर एकदम बढ़िया गलना शुरू हो गए हैं इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए टमाटर को एकदम बढ़िया गल जाने तक पकाएंगे तो ये देखिए एकदम बढ़िया से हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं लगभग इसमें चार से पाँच मिनट लगा है अब इसमें डालेंगे तीन से चार हरी मिर्च जिसे मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट किया है आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से हरी मिर्च डालें अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ पुदीना के पत्ते थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और अब हल्का सा चलाते हुए धनिया और पुदीना को इसमें मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे जो चावल हमने भिगा के रखा था आधे घंटे के लिए उसे पहले सबसे चावल के सारे पानी को अच्छे से छान लेना है उसके बाद इसमें डालें और चावल को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और अब फिर से हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी अब घी के साथ चावलों को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है तभी चावलों में एकदम बढ़िया स्वीटनेस आता है तो बस एक से डेढ़ मिनट चावलों को अच्छे से घी के साथ भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और अच्छे से मसालों को चावलों में मिक्स कर लेंगे तो बस अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हैं फिर से इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से धनिया और पुदीना के पत्ते और अब इसमें डालेंगे पानी हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो उस हिसाब से दो कप चावलों के लिए हम इसमें डालेंगे ढाई कप पानी और पानी के साथ ही डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक चावलों को फ्लेवर देने के लिए अच्छे से चावलों को कर लेंगे पानी और नमक के साथ मिक्स तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से पैक कर देंगे और हाई फ्लेम पे बस एक सीटी लगने तक इसे पकने देंगे तो ये देखिए बस एक सीटी लगने के बाद गैस को बंद कर देंगे और कुकर को आराम से पूरी तरह से अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और जब कुकर अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इसे खोलेंगे ये देखिए एकदम बढ़िया बहुत ही टेस्टी हमारा टमाटो राइस बनकर तैयार हुआ है अभी चावल एक दूसरे से चिपके हुए हैं इसे हम एक फॉक की हेल्प से इस तरह से पफ अप करेंगे आप कंची से भी इसे साइड से पफ अप कर सकते हैं तो बस अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे आप इसे रायता या लच्छा प्याज के साथ सर्व कर सकते हैं झटपट से बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन स्टाइल हमारा टमाटो राइस बनकर तैयार हो गया है इसे खाने के बाद आपको ये एकदम टमाटर की बिरयानी जैसा लगेगा तो आज की ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही टेस्टी और मजेदार रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग